हेलो दोस्तों, मैं हूं नीरज और आप देख रहे हैं स्टडी कॉमर्स। और आज हम इस वीडियो में बिजनेस मैनेजमेंट से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू डिस्कस करेंगे जो कि आपके जून 2023 एग्जाम में पूछा गया है। ये है शिफ्ट टू। अब आइए एक क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, ब्लैक एंड मॉर्टन रिकॉग्नाइज फोर लीडरशिप स्टाइल। ब्लैक एंड मॉर्टन ने चार लीडरशिप स्टाइल बताया है। वन ऑफ देम इज ऑटोक्रेटिक टास्क मैनेजमेंट स्टाइल, जिसमें से एक जो है ऑटोक्रेटिक टास्क मैनेजमेंट स्टाइल है। द ऑटोक्रेटिक टास्क मैनेजर इज वन हु। आपको बताना है कि ऑटोक्रेटिक टास्क मैनेजर जो है वो कौन होता है। ऑप्शन में पढ़ देता हूँ, कंसर्न देमसेल्फ वेरी लिटल विथ आइदर पीपल और प्रोडक्शन एंड हैव मिनिमम इन्वॉल्वमेंट इन देयर जॉब्स। फर्स्ट ऑप्शन कह रहा है कि ऑटोक्रेटिक टास्क मैनेजर जो होता है वो पर्सन होता है जो कि पीपल या फिर प्रोडक्शन दोनों पे कम कंसर्न होता है। पीपल का मतलब क्या है, यहाँ पे एम्प्लॉयज से मतलब है। ऑर्गेनाइजेशन में जो एम्प्लॉयज होते हैं उनसे उसका मतलब कम होता है, यानी उसका जो चिंता होता है, जो कंसर्न होता है, वो ना तो प्रोडक्शन को लेके होता है और ना ही पीपल को लेके होता है, और उसका जो इन्वॉल्वमेंट होता है जॉब में वो भी कम होता है। नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं, डिस्प्ले इन देयर एक्शंस द हाईएस्ट पॉसिबल डेडिकेशन बोथ टू पीपल एंड टू प्रोडक्शन। दूसरा ऑप्शन कह रहा है कि ऑटोक्रेटिक टास्क मैनेजर ऐसा पर्सन होता है जिसका जो कंसर्न होता है वो दोनों पे होता है, बोथ टू पीपल एंड प्रोडक्शन, यानी वो उतना ही कंसर्न होता है प्रोडक्शन को भी लेके और उतना ही वो कंसर्न रहता है अपने एम्प्लॉयज को लेके। थर्ड ऑप्शन कह रहा है, आर कंसर्न्ड ओनली विद डेवलपिंग एन एफिशिएंट ऑपरेशन हु हैव लिटिल और नो कंसर्न फॉर पीपल। तीसरा ऑप्शन कह रहा है कि ऑटोक्रेटिक टास्क मैनेजर वो पर्सन होता है जिसका जो कंसर्न है वो सिर्फ और सिर्फ आपके बिजनेस ऑपरेशन से है। ऑपरेशन का क्या मतलब है, प्रोडक्शन से, प्रोडक्शन हो रहा है सिर्फ उस पर कंसर्न है और जो पीपल है उस पर कोई भी कंसर्न उसका नहीं। यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है कि हाई कंसर्न फॉर प्रोडक्शन एंड लो कंसर्न फॉर पीपल। फोर्थ ऑप्शन कह रहा हैव लिटिल और नो कंसर्न फॉर प्रोडक्शन बट आर कंसर्न्ड ओनली फॉर पीपल। ये जस्ट थर्ड का अपोजिट है। ये कह रहा है कि ऑटोक्रेटिक टास्क मैनेजर ऐसा पर्सन होता है जो कि प्रोडक्शन पे कम कंसर्न होता है लेकिन पीपल पे ज्यादा कंसर्न होता है, यानी लो कंसर्न फॉर प्रोडक्शन बट हाई कंसर्न फॉर पीपल। देखिए, ये क्वेश्चन काफी डीप पूछा गया है। बेसिकली जो बिहेवियरल थ्योरी है लीडरशिप की, उसमें से एक थ्योरी है जिसको हम बोलते हैं मैनेजरियल ग्रिड, या फिर इसको हम बोलते हैं लीडरशिप ग्रिड। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ लीडरशिप ग्रिड, या फिर इसे हम बोलते हैं मैनेजरियल ग्रिड, जिसको दिया है रॉबर्ट आर ब्लैक और जे एस मॉर्टन ने। ये एक टू डायमेंशनल व्यू है लीडरशिप का। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि जो लीडरशिप की थ्योरीज हैं उनको कितने कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। जब आप लीडरशिप की थ्योरीज पढ़ोगे तो उसको हम चार कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं, ट्रेडिशनल थ्योरी, बिहेवियरल थ्योरी, सिचुएशनल थ्योरी या फिर न्यू थ्योरीज ऑफ लीडरशिप। तो जो सेकंड थ्योरी है जिसको हम बिहेवियरल थ्योरी कहते हैं, उसी से क्वेश्चन आपको पूछा गया है। अब बिहेवियरल थ्योरीज भी कई हैं, जैसे मैं चार का एग्जाम्पल आपको बता दे रहा हूँ। बिहेवियरल थ्योरी में फर्स्ट है द ओहायो स्टेट यूनिवर्सिटी लीडरशिप स्टडीज, दूसरा है मिशिगन यूनिवर्सिटी लीडरशिप स्टडी, तीसरा है मैनेजरियल ग्रिड या लीडरशिप ग्रिड जहाँ से ये क्वेश्चन पूछा गया, और चौथा है लीकर्ट्स का फोर सिस्टम ऑफ मैनेजमेंट। देखिए, अभी मैंने बताया कि जो मैनेजरियल ग्रीड है वो एक एग्जांपल है बिहेवियरल थ्योरी का। तो बिहेवियरल थ्योरी क्या बताता है, एक लीडर के बिहेवियर के बारे में बताता है। बिहेवियर किस तरीके का, बिहेवियर टूवर्ड्स प्रोडक्शन और टूवर्ड्स पीपल, जो ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉय हैं उनके प्रति एक लीडर का क्या बिहेवियर है, और दूसरी तरफ जो एम्प्लॉय है उनके प्रति, यानी प्रोडक्शन और पीपल के प्रति उसका क्या कंसर्न है, यही आपका मैनेजरियल ग्रेड बताता है। आप अपने स्क्रीन पे जो मैनेजरियल ग्रेड है वो देख सकते हैं। टोटल 81 तरीके का लीडरशिप ग्रेड दिया गया है, जिसमें से टोटल 5 जो है वो लीडरशिप स्टाइल ब्लैक और मॉर्टन ने दिया गया है। पता नहीं क्यों एग्जाम में क्वेश्चन में आपको 4 लीडरशिप स्टाइल दिया गया है, जबकि जैसे आप स्क्रीन में भी देख भी पा रहे होंगे तो 5 तरीके के लीडरशिप स्टाइल है। मैं आपको बता दे रहा हूँ, फर्स्ट होता है कंट्री क्लब, दूसरा इसका अपोजिट होता है अथॉरिटी कंप्लायंस, या फिर इसे हम टास्क लीडरशिप भी बोलते हैं जहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है, और टास्क लीडरशिप को ही हम ऑटोक्रेटिक टास्क मैनेजमेंट स्टाइल भी कहते हैं।
नेक्स्ट होता है इम्प्रोवाइज्ड मैनेजमेंट, उसका अपोजिट होता है टीम मैनेजमेंट, और एक होता है मिडल ऑफ द रोड मैनेजमेंट। ये टोटल 5 आपके लीडरशिप स्टाइल दिए गए हैं ब्लैक और मॉर्टन द्वारा। एक एक करके मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले बात करते हैं इम्पावरिज्ड मैनेजमेंट की। तो इम्पावरिज्ड मैनेजमेंट जो है वो लीडरशिप का ऐसा स्टाइल है जिसमें लीडर जो है वो न तो प्रोडक्शन को लेकर कंसर्न होता है और न ही पीपल को लेकर कंसर्न होता है। इसे हम बोलते हैं 1-1 स्टाइल। इसका जस्ट अपोजिट होता है टीम मैनेजमेंट। ये एक ऐसा लीडरशिप स्टाइल है जिसमें जो लीडर है वो हाईली कंसर्न होता है फॉर प्रोडक्शन एंड हाईली कंसर्न फॉर पीपल, यानी वो प्रोडक्शन को लेके भी कंसर्न होता है और पीपल को भी लेके कंसर्न होता है। इसके अलावा होता है कंट्री क्लब। क्लब में क्या है, लोग जाते हैं, तो उससे आप याद कर सकते हैं कि कंट्री क्लब मैनेजमेंट जो है इसमें जो लीडर होता है वो ज्यादा पीपल पे कंसर्न करता है, उसे अपनी इम्प्लॉयज की ज्यादा चिंता है, प्रोडक्शन की चिंता कम है। तो यहाँ पे होता है लो कंसर्न फॉर प्रोडक्शन एंड हाई कंसर्न फॉर पीपल। इसका जस्ट अपोजिट होता है अथॉरिटी कंप्लायंस, या फिर इसे हम टास्क लीडरशिप भी कहते हैं, या फिर इसे हम ऑटोक्रेटिक टास्क मैनेजमेंट स्टाइल भी कहते हैं। ये कंट्री क्लब का जस्ट अपोजिट होता है। कंट्री क्लब में मैंने आपको बताया, क्लब से आप पीपल को याद कर सकते हैं, क्लब में लोग जाते हैं, तो यानी वहां पे क्या आपने देखा, वहां पे हाई कंसर्न फॉर पीपल था। यहाँ पे जस्ट इसका अपोजिट हो जाता है, यहाँ पे हाई कंसर्न फॉर प्रोडक्शन हो जाता है। यहाँ पे ध्यान रखना है, हाई कंसर्न फॉर प्रोडक्शन हो जाता है और लो कंसर्न फॉर पीपल, ठीक है। और मिडिल ऑफ द रोड में क्या होता है, 5:5 होता है, यानी कि यहाँ पे मॉडरेट लेवल का कंसर्न होता है एक लीडर का टुवर्ड्स द प्रोडक्शन और पीपल, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है कि ऑटोक्रेटिक टास्क मैनेजर कौन होता है। तो ऑटोक्रेटिक टास्क मैनेजर वो पर्सन होता है जो कि हाईली कंसर्न है फॉर प्रोडक्शन एंड लो कंसर्न फॉर पीपल। तो थर्ड ऑप्शन में आप देख सकते हैं कि ऑटोक्रेटिक टास्क मैनेजर वो पर्सन है जो कि जो ऑपरेशन है, एफिशिएंट ऑपरेशन है, यानी जो प्रोडक्शन है उसको लेके ज्यादा कंसर्न है और जो पीपल है उस पर कम कंसर्न। देखिए, मैंने ऑलरेडी मैनेजरियल ग्रेड पे एक आपको डिटेल लेक्चर दे दिया है, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप आई बटन पे क्लिक करके देख सकते हैं, या फिर सारे वीडियो का लिंक जो है मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। यानी खुद से जो मेरा मैनेजमेंट का जो प्लेलिस्ट है बिजनेस मैनेजमेंट का यूनिट 6, उसको भी आप एक्सप्लोर करके चीजों को पढ़ सकते हैं। अब बढ़ते हैं आगे। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। F.W. टेलर, मैंने आपको पूरा नाम भी काफी लेक्चर्स में बताया है कि फ्रेडरिक विंस्लो टेलर है इनका पूरा नाम। तो क्वेश्चन पूछा है कि फ्रेडरिक विंस्लो टेलर इज एक्नॉलेज्ड एज द फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। आप सभी को पता है कि F.W. टेलर को हम फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट के नाम से जानते हैं। क्वेश्चन में पूछा है कि व्हाट इज हिज मेजर कंट्रीब्यूशन टू मैनेजमेंट। आपको बताना है कि टेलर का जो प्रमुख योगदान है प्रबंध को लेकर वो क्या है, मैनेजमेंट के लिए उनका जो मेजर कॉन्ट्रीब्यूशन है वो क्या है। आपके ऑप्शन है थ्योरी ऑफ ब्यूरोक्रेसी, Identified characteristics of company he considered excellent, application of psychology to industry and management, how to raise productivity through greater efficiency in production and increased pay for workers. तो पहला ऑप्शन देख लेते हैं। फर्स्ट क्या है, थ्योरी ऑफ ब्यूरोक्रेसी, तो इसको दिया है मैक्स वेबर ने। अगर आप ब्यूरोक्रेसी पे एक लेक्चर चाहते हैं तो आप मुझे बता सकते हैं। ब्यूरोक्रेसी क्या होती है, एक स्पेसिफिक वे होता है ऑर्गेनाइजेशन को मैनेज करने का, एक विशेष तरीका होता है, अलग तरीका है जिस तरीके से आप ऑर्गेनाइजेशन को मैनेज करते हैं। बेसिकली इस ऑर्गेनाइजेशन में हम पेपर वर्क ज्यादा देखते हैं, यानी कि हर चीज के लिए आपको एक लीगल जो रिटर्न स्ट्रक्चर है उससे होके गुजरना पड़ता है। लाल फीताशाही आप इसको कहते हैं, आप डिटेल में इसको पढ़ भी सकते हैं। तो फिलहाल हम F.W. टेलर पे आते हैं। तो आप सभी को पता है कि F.W. टेलर को हम फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट कहते हैं। और जब वो एक फैक्ट्री में गया काम करने के लिए, तो उन्होंने देखा कि जो भी वर्कर्स आ रहे हैं वहां पे काम करने के लिए, वो वहां जाने के बाद ये डिसाइड करते हैं कि उन्हें क्या काम करना है, तो उससे बहुत ज्यादा टाइम बर्बाद होता है, प्रोडक्टिविटी जो है वो अफेक्ट करती है। तो ये सारी चीजें जो है वो मैंने आपको ऑलरेडी एक लेक्चर में बता दिया है, और वो ये लेक्चर है, यहाँ पे आप क्लिक करके देख सकते हैं। इसमें मैंने आपको डिटेल में बताया है कि किस तरीके से टेलर एक फैक्ट्री में एज अ वर्कर काम करना स्टार्ट करते हैं और कैसे उस फैक्ट्री में हाईएस्ट पोजीशन तक वो पहुंचते हैं। उसकी जर्नी मैंने आपको बताई है, कैसे उन्होंने किस तरीके से प्रोग्रेस किया। तो खैर, जब उन्होंने देखा कि लोग टाइम बर्बाद कर रहे हैं, हर काम को करने का एक परफेक्ट तरीका उनको नहीं पता है, तो ये सारी चीजें उन्होंने मिल के 2-3 चीज बताई।
तो उनका मेजर कंट्रीब्यूशन यही था कि किस तरीके से हम प्रोडक्टिविटी को बढ़ा सकते हैं। ठीक है, उन्होंने एफिशिएंसी पे काम किया कि किस तरीके से हम ग्रेटेस्ट एफिशिएंसी हम प्राप्त कर सकते हैं और अच्छे वर्कर के लिए हम ज्यादा पेमेंट कैसे कर सकते हैं। आपने पढ़ा होगा कि टेलर ने जो वेजेस हैं उनको दो कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया गया था, हाई और लो। जो एक हाई स्टैंडर्ड को मीट करते हैं उनको हाई वेज जो है वो पे किया जाएगा, और जो एक स्टैंडर्ड को मीट नहीं कर पाते हैं उन्हें लो पे स्केल पे उनको वेजेस दिया जाएगा। ये सारी चीजें मैंने ऑलरेडी कवर कर दी, तो आप वहां जाके देख सकते हैं। तो सेकंड का करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, हाउ टू रेज प्रोडक्टिविटी थ्रू ग्रेटर एफिशिएंसी इन प्रोडक्शन एंड इंक्रीज्ड पे फॉर वर्कर्स। ठीक है, अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मैट्रिक्स स्ट्रक्चर इज द रियलाइजेशन ऑफ टू डायमेंशनल स्ट्रक्चर which emanates directly from two dimensions of authority from which of two a matrix structure is created। आपको बताना है कि matrix structure जो है वो किन दो चीजों से मिलके बनाया गया। आपके ऑप्शन है functional and divisional, functional and project, functional and line, divisional and line। देखिए ब्रीफली मैं आप matrix organization structure के बारे में बता देता हूँ। ये एक form of organization structure है, जैसे आपने line organization, लाइन एंड स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन, कमेटी ऑर्गेनाइजेशन या प्रोजेक्ट ऑर्गेनाइजेशन, ये सब सारी चीजें पड़ी होंगी। उसी तरीके से मैट्रिक स्ट्रक्चर या मैट्रिक ऑर्गेनाइजेशन जो है वो एक फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर ही है, जिसे हम ग्रिड ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर के नाम से भी जानते हैं। ये आप ध्यान रखिएगा। अगर आपसे एग्जाम में पूछ ले कि जो मैट्रिक्स स्ट्रक्चर है या मैट्रिक ऑर्गेनाइजेशन है ये किसका मॉडिफाइड वर्जन है, तो वो है प्रोजेक्ट ऑर्गेनाइजेशन का। और मैट्रिक ऑर्गेनाइजेशन क्या है, ये प्रोजेक्ट ऑर्गेनाइजेशन प्लस फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन का एक मिक्सचर है। ठीक है, मैट्रिक ऑर्गेनाइजेशन इज अ मिक्सचर ऑफ प्रोजेक्ट ऑर्गेनाइजेशन एंड फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन। और ये कहाँ पे यूज होता है, तो ये एक एंटरप्राइज के लिए है जो कि कोई बड़ी कंपनी हो सकती है, कोई लार्ज कंस्ट्रक्शन कंपनी हो सकती है या कोई इंजीनियरिंग फर्म हो सकता है, जो कि कई सारे स्मॉल प्रोजेक्ट वो हैं वो साथ में चला रहे हो। फॉर एग्जांपल एक कंपनी है जो कि तीन प्रोजेक्ट साथ में चला रही है, तो वो मैट्रिक ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर को फॉलो कर सकती है। एक डायग्राम मैं आपको बना के बता देता हूँ कि किस तरीके से मैट्रिक ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर हो सकता। तो यहाँ पे जनरल मैनेजर होगा। अब ऑर्गेनाइजेशन सपोज कर लेते हैं कि फंक्शन के बेसिस पे डिवाइड किया गया है, जैसे आपने देखा कि ये प्रोजेक्ट ऑर्गेनाइजेशन और फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन का एक मिक्सचर। तो फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन क्या है, जब ऑर्गेनाइजेशन को हम फंक्शंस के बेसिस पे डिवाइड कर देते हैं। फॉर एग्जांपल हमें ऑर्गेनाइजेशन में रॉ मटेरियल परचेस करना है, तो हम क्या करेंगे, परचेस मैनेजर हायर कर लेंगे। ठीक है, हमें फाइनेंस से रिलेटेड कोई काम है, तो हम क्या करेंगे, फाइनेंस मैनेजर हायर कर लेंगे। इसी तरीके से हम ह्यूमन रिसोर्स से रिलेटेड एक मैनेजर बनाते हैं, जिसे हम बोलते हैं ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर। तो हमने देखा कि फंक्शंस के बेसिस पे हम ऑर्गेनाइजेशन को अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड कर दे रहे हैं। ठीक, अब प्रोजेक्ट ऑर्गेनाइजेशन में क्या होगा कि हम एक और लाइन ऐड कर दे रहे हैं, जिसे हम बोलेंगे प्रोजेक्ट यूनिट। प्रोजेक्ट यूनिट क्या है कि एक ऑर्गेनाइजेशन में या फिर एक कंपनी में कितने प्रोजेक्ट चल रहे हैं। जैसे मैंने यहाँ पे बताया कि एक कंपनी है जो कि तीन प्रोजेक्ट साथ में चला रही है, तो यहाँ पे हम इसको इस तरीके से दिखा सकते हैं। ये हो जाएगा प्रोजेक्ट ए और ये हो जाएगा प्रोजेक्ट बी, ये हो जाएगा प्रोजेक्ट सी। तीन प्रोजेक्ट इसने चला रहा है और हर प्रोजेक्ट को मैनेज करने के लिए एक प्रोजेक्ट मैनेजर होगा। ठीक है, पीएम शॉर्ट में मैं आपको लिख के बता दे रहा हूँ। अब इसी तरीके से परचेस मैनेजर होगा, तो यूनिट ए के लिए होगा, यूनिट बी के लिए भी होगा और यूनिट सी के लिए भी परचेज मैनेजर होगा। इसी तरीके से सारे चीजों के लिए, प्रोजेक्ट वन के लिए भी एक फाइनेंस मैनेजर होगा फॉर यूनिट वन, इसी तरीके से यूनिट बी के लिए भी और यूनिट सी के लिए भी। इसी तरीके से ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर जो है वो भी होगा फॉर यूनिट ए, यूनिट बी और यूनिट सी। तो इस तरीके से आप देख रहे हैं कि एक हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन बन जा रही है और हर एक बॉक्स को हम क्या बोलते हैं, ग्रिड बोलते हैं। ठीक है, तो आपको यहाँ पे ध्यान रखना होगा कि जो वर्टिकल लाइन है जो टॉप टू बॉटम आ रहा है उसे हम क्या बोलते हैं, लाइन अथॉरिटी फ्लो। ठीक है, लाइन अथॉरिटी जो है वो फ्लो करती है वर्टिकल, और जो प्रोजेक्ट लाइन है
ठीक है, प्रोजेक्ट अथॉरिटी जो होती है वो हॉरिजॉन्टली इस तरीके से फ्लो करती है। ध्यान रखना, जब भी हम प्रोजेक्ट की बात करेंगे तो उसकी अथॉरिटी कैसे फ्लो होगी, हॉरिजॉन्टल, ठीक है। और अगर हम फंक्शनल की बात करेंगे तो वो आपकी वर्टिकल होगी। ये एग्जाम में आपको स्टेटमेंट रीजन के फॉर्म में पूछ सकता है। अगर आप चाहते तो आप डिटेल में मैट्रिक ऑर्गेनाइजेशन को भी पढ़ सकते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन में सिंपली आपसे पूछा था कि मैट्रिक स्ट्रक्चर किस दो चीजों से मिलकर बना है, तो फंक्शनल और प्रोजेक्ट का ही एक मिक्सचर है मैट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन। तो थर्ड का करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मैस्लोज हायरार्की ऑफ नीड डिपिक्ट्स ह्यूमन नीड्स इन द फॉर्म ऑफ हायरार्की असेंडिंग फ्रॉम लोएस्ट टू हाईएस्ट, द करेक्ट ऑर्डर इज। क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा है कि मैस्लो की नीड हायरार्की थ्योरी जो है उसमें ह्यूमन नीड्स को एक हायरार्की में शो किया गया है लोएस्ट टू हाईएस्ट। आपको जो ऑर्डर है, सिक्वेंस है, वो बताना है। ऑप्शन देख लेते हैं, एस्टीम नीड, एक्सेप्टेंस नीड। देखिए, ये जो आपका एक्सेप्टेंस नीड है ये नथिंग बट योर सोशल नीड, ठीक है, मैं आपको अभी एक्सप्लेन करूंगा। सेफ्टी नीड, फिजियोलॉजिकल नीड, नीड फॉर सेल्फ एक्चुलाइजेशन, फिजियोलॉजिकल नीड, सेफ्टी नीड, एक्सेप्टेंस नीड, नीड फॉर सेल्फ एक्चुलाइजेशन, सेफ्टी नीड, एस्टीम नीड, नीड फॉर सेल्फ एक्चुलाइजेशन, फिजियोलॉजिकल नीड, एक्सेप्टेंस नीड, फिजियोलॉजिकल नीड, एक्सेप्टेंस नीड, सेफ्टी नीड, नीड फॉर सेल्फ एक्चुलाइजेशन, एस्टीम नीड। आपको बताना है लोएस्ट टू हाईएस्ट जो हायरार्की है वो आपको करेक्टली बताना है यहाँ पे। तो मैंने आपको मैस्लोज नीड हायरार्की थ्योरी में बताया था कि मैस्लो ने ह्यूमन नीड्स को 5 कैटेगरीज में डिवाइड किया और ये बताया कि ये जो ह्यूमन नीड्स हैं, जो आवश्यकताएं हैं, वो एक हायरार्की में अराइज होती हैं। जैसे सबसे पहले एक नीड होगा, अगर एक कंप्लीट हो जाएगा तभी दूसरे पे जाएगा, दूसरा कंप्लीट हो गया तभी नेक्स्ट होगा, और तीसरा कंप्लीट होगा तभी फोर्थ पे जाएगा, और लास्ट में फिफ्थ होगा। तो जो फर्स्ट नीड है इसे हम बोलते हैं लोएस्ट ऑर्डर नीड, और जो फिफ्थ है ये आपका हाईएस्ट ऑर्डर नीड होगा, ठीक है, हाईएस्ट नीड इसको बोलते हैं। तो आपको करेक्ट हायरार्की में बताना है, एक ऑर्डर ऑफ सीक्वेंस में आपको बताना है, एक करेक्ट क्रम में बताना है, ठीक है। तो मैंने आपको बताया था कि मैस्लो की नीड हायरार्की थ्योरी जो है वो दिया गया था इन द ईयर 1943। ये ईयर याद रखना, हो सकता है एग्जाम में कभी पूछ ले आपसे। तो फर्स्ट नीड जो है उन्होंने बताया था बेसिक नीड, या फिर इसे हम बोलते हैं फिजियोलॉजिकल नीड। ध्यान रखना, चाहे इसे हम फिजियोलॉजिकल नीड बोले चाहे इसे हम बेसिक नीड बोले, दोनों का मतलब एक ही। तो बेसिक नीड है वो लोएस्ट ऑर्डर है, तो जिस भी ऑप्शन में ये नहीं है इसको आप एलिमिनेट कर सकते हैं। दूसरा है सेफ्टी नीड, सेफ्टी नीड को हम बोलते हैं सिक्योरिटी नीड। तो बेसिक के बाद क्या आएगा, सेफ्टी आएगा, तो जिस भी ऑप्शन में सेफ्टी नहीं है उसको आप एलिमिनेट कर दो। सेफ्टी के बाद क्या है, एक्सेप्टेंस नीड, या फिर इसे हम बोलते हैं सोशल नीड। उसके बाद आता है इगोइस्टिक या फिर एस्टीम नीड, मैं यहाँ पे लिख भी दे रहा हूँ, दिया नहीं है यहाँ पे, इगोइस्टिक या फिर इसे हम बोलते हैं एस्टीम नीड। फिर लास्ट में आता है सेल्फ एक्चुलाइजेशन नीड। अब एक एक करके ब्रीफली समझ लो, बेसिक नीड का क्या मतलब है, एक पर्सन की सबसे बेसिक नीड क्या है, रोटी कपड़ा मकान, हमें खाने के लिए कुछ हो जाए, पहनने के लिए कुछ हो जाए, रहने के लिए एक छत हो जाए, बेसिक नीड यही है। तो सबसे पहले आप एक बेसिक नीड कंप्लीट करोगे, रोटी कपड़ा और मकान। दूसरी नीड आती है सेफ्टी नीड, सेफ्टी या जिसे हम सिक्योरिटी नीड भी कहते हैं। अब रोटी कपड़ा मकान सिर्फ आज के डेट तक तो आपको नहीं चाहिए, आपको इसकी जरूरत कल भी पड़े, ऐसा तो है नहीं कि आप आज आपने रोटी खा लिया तो आपको इसकी जरूरत कल नहीं पड़ेगी, ऐसी बात तो है नहीं, कल भी आपको इसकी जरूरत पड़ेगी। तो इसे हम बोलते हैं सेफ्टी या सिक्योरिटी नीड। हम म्यूचुअल फंड में या पेंशन फंड में या हम किसी स्कीम में पैसे इन्वेस्ट क्यों करते हैं, ताकि हमारा फ्यूचर सिक्योर रहे, ठीक है। तीसरा आता है सोशल या एक्सेप्टेंस नीड, हम सभी एक सोशल एनिमल है, हम लोगों के साथ घुलना मिलना चाहते हैं, फ्रेंड्स बनाना चाहते हैं, साथ में पार्टी करना चाहते हैं, ठीक है, हम चाहते हैं ना कि दूसरों की शादी में डांस करें या इस तरीके से दोस्तों से मिलें, बाकी लोगों से मिलें, है कि नहीं, सोशल हमारा एक ग्रुप हो, तो ये हमारी सोशल नीड है। और सोशल नीड के बाद आता है फोर्थ इगोइस्टिक नीड, या इसको हम एस्टीम नीड भी कहते हैं। जब हम अपने आप को दूसरों से सुपीरियर दिखाने की कोशिश करते हैं तो उसे हम इगोइस्टिक या एस्टीम नीड कहते हैं। फॉर एग्जांपल, आप महंगी कार खरीदते हो, महंगे कपड़े खरीदते हो, आईफोन यूज करते हो, लग्जरी वॉचेस परचेस करते हो, तो ये क्या है, एक इगोइस्टिक या एस्टीम नीड का एग्जांपल। आखिरी है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड, जिसे हम हाईएस्ट नीड बोलते हैं, हाईएस्ट ऑर्डर ऑफ नीड बोलते हैं। सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड का क्या मतलब है, जब हम सेल्फ सेटिस्फेक्शन के लिए काम करते हैं,
हमारे सारे जो नीड्स है वो कंप्लीट हो गई। फॉर एग्जाम्पल कोई राइटर है बहुत अच्छी कहानी लिख रहा है तो वो सेल्फ सेटिस्फेक्शन के लिए लिख रहा है। फॉर एग्जाम्पल ए आर रहमान, तो वो अपनी हाईएस्ट लेवल पे है, वो अपने सेटिस्फेक्शन के लिए काम कर रहे हैं। तो जब हम सेल्फ सेटिस्फेक्शन के लिए काम करते हैं तो उसे हम सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड कहते हैं। और इसको मैंने डिटेल में भी आपको कुछ एग्जाम्पल समझाया है, आप उस वीडियो को देख सकते हैं। तो आपको क्या ध्यान रखना था, फिजियोलॉजिकल या बेसिक नीड फर्स्ट लोएस्ट ऑर्डर होगा और आपका जो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन है ये हाईएस्ट नीड, और यहाँ से आप आंसर कर सकते थे। तो फोर्थ का करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। अब बढ़ते हैं आगे, अब इसको देख भी सकते हैं, मैंने मैस्लो की नीड हायरार्की थ्योरी को काफी डिटेल में एक्सप्लेन भी किया है। अगर आप देखना चाहते हैं तो आप आई बटन पे क्लिक करके देख सकते हैं या डिस्क्रिप्शन में भी आपको लिंक प्रोवाइड कर दिया जाएगा। अब आइए आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। द यूटिलिटेरियन व्यू ऑफ एथिक्स इज वन ऑफ द फ्यू पर्सपेक्टिव्स ऑन बिजनेस एथिक्स एंड इट इंक्लूड्स। आपको क्वेश्चन पूछ रहा है कि बिजनेस एथिक्स के कुछ पर्सपेक्टिव हैं जिसमें से एक पहलू है यूटिलिटेरियन व्यू ऑफ एथिक्स। आपको बताना है कि इनमें किन चीजों को इंक्लूड किया जाता है। आपके ऑप्शन है रिस्पेक्टिंग एंड प्रोटेक्टिंग इंडिविजुअल लिबर्टी एंड प्रिविलेजेस, इम्पोजिंग इनफोर्सिंग रूल्स फेयरली एंड इम्पार्शली, एथिकल डिसीजन मेड सोलली ऑन द बेसिस ऑफ देयर आउटकम्स और कॉन्सिक्वेंसेस, इंकरेजेस एफिशिएंसी एंड प्रोडक्टिविटी एंड इज कंसिस्टेंट विद द गोल ऑफ प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, एथिकल डिसीजंस कैन बी लर्न ऑन एग्जिस्टिंग एथिकल नॉर्म्स इन इंडस्ट्रीज एंड कम्युनिटीज। आपके ऑप्शन है ए ई ओनली, सी डी ओनली, बी सी ओनली या फिर डी ई ओनली। तो एक बार समझ लेते हैं कि बिजनेस एथिक्स क्या है। सबसे पहले एथिक्स का मतलब समझ लेते हैं। एथिक्स ये कहता है कि क्या सही है क्या गलत। बिजनेस एथिक्स का क्या मतलब है, बिजनेस में क्या सही है क्या गलत। अब इसका एक पहलू एक पर्सपेक्टिव ये होता है यूटिलिटेरियन व्यू ऑफ एथिक्स। तो यूटिलिटेरियन व्यू ऑफ एथिक्स क्या बोलता है, वो ये बोलता है कि मान लेते हैं कि आप कुछ गलत कर रहे हो बट इससे ज्यादातर लोगों को बेनिफिट हो रहा है, तो बिजनेस में इसे हम एथिकली ट्रू कंसीडर करेंगे। एक एग्जांपल समझते हैं, मान लेते हैं कि एक हॉस्पिटल है, इसमें चार पेशेंट है, पेशेंट ए, पेशेंट बी, पेशेंट सी और पेशेंट डी। चार पेशेंट है, स्टार्टिंग के जो तीन पेशेंट है इन्हें ऑर्गन ट्रांसप्लांट की जरूरत है, इन्हें किसी न किसी बॉडी पार्ट की जरूरत है। फॉर एग्जाम्पल ए को आंखों की जरूरत है आई, दूसरे को किडनी की जरूरत है, तीसरे को हार्ट की जरूरत है, ठीक है, और फोर्थ जो पेशेंट है यहाँ पे इसे कोई बीमारी हो गई है जो अभी मैं आपको नहीं बता रहा हूँ, कोई भी आप बीमारी समझ सकते हैं, लेकिन कोई ऐसी बीमारी नहीं है जिससे ये अपना जो ऑर्गन ट्रांसप्लांट है वो दूसरे को नहीं कर सकता, नहीं दे सकता, ऐसे कोई बीमारी नहीं है, ठीक है, कोई नॉर्मल बीमारी है, ये चाहे तो अपना ऑर्गन ट्रांसप्लांट कर सकता है इन तीनों को और तीनों को बचा सकता है। तो फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं कि डॉक्टर ने ये डिसाइड किया कि भाई एक लोग मरे कोई दिक्कत नहीं, तीन लोग बच जाए अच्छी बात है, भाई ये हो सकता है कि फ्यूचर में मर जाए या कुछ प्रॉब्लम हो उसको हो मर जाए उसकी डेथ हो जाए, लेकिन अगर इसके जो भी ऑर्गन्स हैं इसका इस्तेमाल हम तीनों में कर दें तो उसको हम बचा सकते हैं। ये देखिए सिर्फ मैं आपको समझाने के लिए एक हाइपोथेटिकल और क्लासिक एग्जाम्पल बता रहा हूँ, इसको आप दिल भी मत ले लीजिएगा समझने के लिए कि नीरज सर क्या बता रहे हैं, सिर्फ एग्जाम्पल से समझो, ठीक है। तो यहाँ पे ये कहा जाएगा यूटिलिटेरियन व्यू ऑफ एथिक्स जो है वो ये बोलता है कि अगर आप कुछ गलत भी कर रहे हो, अगर ये डॉक्टर जो है इसके जो ऑर्गन्स हैं उसको निकाल के इन तीनों को लगा देता है ताकि वो इन तीनों की जान है वो बच सके भले एक की डेथ हो जाए, तो मैंने आपको क्या बताया कि यूटिलिटेरियन व्यू ऑफ एथिक्स ये बोलता है कि हालांकि कुछ आप गलत कर रहे हो, मान लो कि आप कुछ गलत कर रहे हो, यहाँ पे डॉक्टर जो है वो गलत कर रहा है, ठीक है, लेकिन इससे ज्यादातर लोगों को बेनिफिट हो तो इट इज टू बी कंसीडर्ड एज एथिकली ट्रू, ये एथिकली ट्रू कहा जाएगा बिजनेस एथिक्स में। तो यूटिलिटेरियन व्यू ऑफ एथिक्स जो है वो ये कहता है कि डोंट फॉलो द रूल, रूल्स को फॉलो मत करो, डू व्हाट गिव्स यू मैक्सिमम बेनिफिट, मैं यहाँ पे लिख भी दे रहा हूँ मैक्सिमम बेनिफिट, आप वो करो जो आपको मैक्सिमम बेनिफिट देता है। मैक्सिमम बेनिफिट क्या है, तीन लोग को हम बचा ले रहे हैं, तो ये जो यूटिलिटेरियन व्यू ऑफ एथिक्स है वो ये कहता है कि आप सिर्फ आउटकम पे फोकस करो, अगर हमने इसके ऑर्गन को लगा दिया तो क्या होगा, हम लोग क्या कर लेंगे, सेव कर लेंगे तीन लोगों को, तो आउटकम क्या है, तीन लोग को हम बचा ले रहे हैं, भले हम एक लोग को खो दे रहे हैं लेकिन यहाँ पे तीन लोग को बचाना एक आउटकम है। तो अब इतने कॉन्सेप्ट से क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, तो सारे ऑप्शंस को एक बार इवेलुएट कर लेते हैं। ऑप्शन वन कह रहा है रिस्पेक्टिंग एंड प्रोटेक्टिंग इंडिविजुअल लिबर्टी एंड प्रिविलेजेस,
तो देखिए यहाँ पे इंडिविजुअल की बात हो रही है तो उसको हम कंसीडर नहीं करते। नेक्स्ट है इम्पोजिंग एंड इन्फोर्सिंग रूल्स फेयरली एंड इम्पार्शियली। तो देखिए हम रूल्स को इम्पोज नहीं करते हैं, यहाँ पे रूल्स को एक तरीके से इग्नोर कर देते हैं, क्योंकि कोई भी हॉस्पिटल या कोई भी मेडिकल जो रूल्स रेगुलेशन होगा उसमें कभी भी आपको ये नहीं बोला जाएगा कि एक लोग को मार दो और तीन को बचा दो, ऐसा कोई रूल नहीं है। तो जिस भी ऑप्शन में ए और बी है उसको आप एलिमिनेट कर सकते हैं। थर्ड देखते हैं, एथिकल डिसीजन मेड सोलली ऑन द बेसिस ऑफ देयर आउटकम्स और कॉन्सिक्वेंसेस। तो ये सही है, जो भी आपने एथिकल डिसीजन लिया है, यहाँ पे देखिए डॉक्टर ने कौन सा एथिकल डिसीजन लिया है कि हमें डी को नहीं बचाना, डी का जो ऑर्गन है उसको ट्रांसप्लांट करना है एबीसी को और हमें तीनों को बचाना। तो यहाँ पे जो एथिकल डिसीजन है वो आउटकम या कंसिक्वेंसेस पे हमें बेस्ड होना चाहिए, तो ये करेक्ट है। तो जिस भी ऑप्शन में सी नहीं है उसको आप एलिमिनेट कर सकते हैं। एक बार डी ऑप्शन को देख लेते हैं, इंकरेजेस इफिशियंसी एंड प्रोडक्टिविटी एंड इज कंसिस्टेंट विद गोल ऑफ प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। तो सही बात है, हमें मैक्सिमम बेनिफिट के बारे में सोचना है, सबसे ज्यादा बेनिफिट जिसमें होगा उसको बात करेंगे। तो बिजनेस एथिक्स में, बिजनेस में हम क्या हो किस चीज पे ध्यान रखते हैं, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन पे। फॉर एग्जाम्पल किसी एक यूनिट से आपको लॉस हो रहा है तो आप उसको बंद कर देंगे, क्योंकि आपका फोकस क्या है, मैक्सिमम प्रॉफिट पे, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन जो है उस पर आपका फोकस होना चाहिए। एक बार लास्ट ऑप्शन को भी इवेल्युएट कर लेते हैं, एथिकल डिसीजंस कैन बी लर्न ऑन एग्जिस्टिंग एथिकल नॉर्म्स इन इंडस्ट्रीज एंड कम्युनिटीज। देखिए इंडस्ट्री या कम्युनिटीज में जो एग्जिस्टिंग एथिकल नॉर्म्स हैं उससे हमें सीख के डिसीजन लेना होगा। लेकिन देखिए बेसिकली मेडिकल इंडस्ट्री में तो ऐसा नहीं होगा कि आप किसी एक को मार के तीन को बचाएं, ठीक है। तो हम एथिकल डिसीजन जो है वो एग्जिस्टिंग एथिकल नॉर्म्स के बेसिस पे नहीं लेते हैं, तो ये भी एलिमिनेट हो जाएगा। तो फिफ्थ का करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, जो कि है सी एंड डी। एग्जाम में जो शिफ्ट टू में एक दो और क्वेश्चंस पूछे गए थे उसको मैंने यहाँ पे इंक्लूड नहीं किया है, क्योंकि अब जून 2023 में बहुत सारे स्पेलिंग मिस्टेक्स हैं, तो इसलिए मैंने कुछ क्वेश्चंस को इंक्लूड नहीं किया है। शिफ्ट टू से शिफ्ट वन में मैंने सारे क्वेश्चंस को इंक्लूड किया है, तो वो आप देख सकते हैं। अगर आप इस लेक्चर का पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या फिर आप इस दिए गए क्यूआर कोड को स्कैन करके भी हमें ज्वाइन कर सकते हैं और फ्री पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये था बिजनेस मैनेजमेंट से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपके जून 2023 एग्जाम में पूछा गया था, और ये सारे क्वेश्चन आपके शिफ्ट टू से थे। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो आप हमें फीडबैक दे सकते हैं, या आपकी कोई रिक्वेस्ट हो तो उसको भी आप डिस्क्रिप्शन में हमें बता सकते हैं, हम उसको पूरा करने की पूरी कोशिश करेंगे। थैंक यू।